प्रधानमंत्री जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके 21 दिन के लॉकडाउन के फैसले के साथ हर हिंदुस्तानी खड़ा है। पर अब यदि आपको माफी मांगनी है तो आप अपनी बिना तैयारी के जो आपने 21 दिन के लॉकडाउन का निर्णय लिया उसके लिए देश से माफी मांगिए। यदि आपको माफी मांगनी है तो उन लाखों मजदूरों से माफी मांगिए जिनको 3 घंटे 40 मिनट का आपने नोटिस दिया 21 दिन का लॉकडाउन करने से पहले, और उसके कारण उनको 500 500 700 700 800 800 800 किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर पैदल जाने को मजबूर होना पड़ा। यदि आपको माफी मांगनी है तो उन मंत्रियों के बिहाफ पर मांगिए, जब चिकित्सा मंत्री का वीडियो वायरल होता है लूडो खेलते हुए, टेक्सटाइल मिनिस्टर का वीडियो, कपड़ा मंत्री का वीडियो वायरल होता है अंताक्षरी खेलते हुए, जब मंत्री चैलेंज करते हैं, रस्सी कूदने का चैलेंज युवा मामलों के मंत्री करते हैं, जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अपने घर पे सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए अपनी फोटोज को वायरल करते हैं, उनके लिए देश से माफी मांगिए। यदि माफी मांगनी हो तो इसलिए माफी मांगिए कि जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था तब आप हाउडी मोदी जो कार्यक्रम अमेरिका में हुआ था उसके एहसान को चुकता करने के लिए ट्रंप साहब के कार्यक्रमों की सुपरविजन कर रहे थे। यदि आपको माफी मांगनी है तो 2 माह पूर्व, आज से 2 माह से ज्यादा पूर्व, राहुल गांधी जी ने जब चेताया था कि ये कोरोना की महामारी बहुत गंभीर महामारी है, आपने उस चेतावनी को अनदेखा किया। यदि माफी मांगनी है तो आपने जिस तरह से GST लागू करी उसके लिए देश से माफी मांगिए। यदि माफी मांगनी है तो बिना सोचे समझे जिस तरह नोटबंदी लागू हुई उसके लिए माफी मांगे। किस किस के लिए माफी मांगेंगे सर? छोड़ दीजिए, अभी माफीनामा छोड़ दीजिए, अभी देश का नेतृत्व कीजिए। और अपने सारे मंत्रियों को भी बोलिए कि ये टीवी देखने और लूडो खेलने और अंताक्षरी खेलने और रस्सी कूदने और आलू की सब्जी बनाने के वीडियो वायरल ना करें, अपने अपने विभागों में बैठे और इस बड़ी महामारी और इस संकट से भारत को बाहर निकालने का काम करें।